वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी हम लोग हैं लखनऊ के अंदर, और वैसे तो हमारे लखनऊ नहीं पूरे देश विदेश में गणेश महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे लखनऊ के अंदर एक ऐसा पंडाल लगता है जो भाई काफी बड़ा पंडाल माना जाता है, यहाँ का सबसे बड़ा लखनऊ का होता है। तो उसी को देखने के लिए और दिखाने के लिए आप सबको हम लोग आ चुके हैं फिलहाल लखनऊ में झूलेलाल पार्क घूमने लेके नदी के जस्ट बगल में। और ये हमारे पीछे भाई लगा हुआ है उसका पंडाल। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग हैं लखनऊ के अंदर, और वैसे तो हमारे लखनऊ नहीं पूरे देश विदेश में गणेश महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसी तरह से हमारे लखनऊ के अंदर एक ऐसा पंडाल लगता है जो भाई काफी बड़ा पंडाल माना जाता है, यहाँ का सबसे बड़ा लखनऊ का होता है। तो उसी को देखने के लिए और दिखाने के लिए आप सबको हम लोग आ चुके हैं फिलहाल लखनऊ में झूलेलाल पार्क घूमने लेके नदी के जस्ट बगल में। और ये हमारे पीछे भाई लगा हुआ है उसका पंडाल। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टिकट है ही नहीं। पार्किंग चार्ज आपका रहेगा जो 20 रुपये रहेगा, और पंडाल काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर महोत्सव भी लगा है उसी हिसाब से। तो फटाफट चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और जिस तरह से मुंबई के लाल बाग के राजा रहते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ मनौतियों के राजा हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई इस ब्लॉग को एक्सप्लोर करने में। भाई लोग यहाँ का पंडाल देख रहे हो कितना विशाल है भाई पंडाल, काफी विशाल है भाई पंडाल, और काफी ज्यादा भीड़ भी है। और ये है भाई यहाँ का कमेटी एरिया, जो यहाँ के गेस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर बैठा ले जाते हैं भाई। तो गाइस काफी भीड़ है भाई आज, और आज क्या हर तरह की यात्रा पहली बार आया फिलहाल यहाँ पर। काफी तगड़ा सजा भाई, सजावट देख लो भाई एक बार। वैसे तो सत्संग वगैरह आरती वगैरह हो रही है, तो बोल तो मैं ज्यादा पाऊंगा नहीं फिलहाल क्योंकि आवाज आ रही है। ए भाई फिर से दर्शन कर लो ये बार। गाइस यहाँ पर जो गणपति जी की स्थापना हुई थी वो 18 तारीख को फिलहाल हो चुकी थी, और ये लगभग 11 दिन का प्रोग्राम चलेगा। 28 सितंबर को भाई यहाँ पर विसर्जन होगा यहाँ का। और ये मूर्ति जो आई है वो मुंबई से आई है, इनको मुंबई से लाया गया है। और जो विसर्जन का जो रूट रहने वाला है वो IT चौराहे से यहाँ झूलेलाल पार्क तक रहेगा, और यहीं पर कहीं विसर्जन का कर दिया जाएगा फिलहाल। और काफी बेहतरीन भाई बनाया है, देख लो भाई मजे हैं भाई। अभी तो फिलहाल अंदर प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं काफी सारे, और यहाँ पर महोत्सव भी लगा, कई सारे बड़े बड़े झूले भी भाई लगे हैं। और यहीं पर विसर्जन केंद्र भी बनाया गया है थोड़ा सा आगे, इस पूरी गोमती नदी के किनारे किनारे थोड़ा सा स्थान देकर। बट विसर्जन भी काफी तगड़े तगड़े हो रहे हैं भाई, काफी भीड़ है पूरे लखनऊ के अंदर। और भाई भाई बड़ी बड़ी LED से टेलीकास्ट किया जा रहा लाइव, जिस क्योंकि वहाँ काफी भीड़ हो जाती है, तो भाई लोग यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं भाई फिलहाल। गाइस इस वाले कंपार्टमेंट में भाई सब खाने पीने की चीज़ें लगी हुई, इस साइड और उस साइड सब घर के सामान की, मतलब बैंगल्स वगैरह है, फिर किचन का मटेरियल जो मिलता है उस साइड वही है पूरा। और उस वाले कंपार्टमेंट में भाई पंडाल लगा हुआ है, उस वाले कंपार्टमेंट में है झूले सारे, हर चीज़ भाई कंपार्टमेंट में डिवाइड है। अब
बगली में भाई घूमती है, देख लो भाई किस तरह से विसर्जन हो रहा भाई, किस तरह से भीड़ है ये देखो भाई, बहुत तगड़ी भीड़ है भाई, किस तरह से भीड़ है भाई पूरे विसर्जन के लिए। तगड़ी भीड़ है भाई, बहुत तगड़ी भीड़ है। ये देखो पार्किंग एरिया भाई, खचाखच भरी भरी हुई है, 20 रुपए है इसका शुल्क। तो गाइस अब वक्त हो चुका है यहाँ से निकलने का, अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहिए, जिसको भी आना है भाई फटाफट आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में पढ़िए लोकेशन, पूरी लोकेशन आपको एकदम सर बता दें तो जो हनुमान धाम है उसके अपोजिट साइड है भाई, इस साइड उसी को देखते हुए भाई आ जाओ फटाफट। वो देखो सामने हनुमान धाम उस साइड है, और ये साइड भाई लगा हुआ है पूरा महोत्सव जो चलेगा भाई 28 तारीख से।